बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा निशाना भाजपा सरकार पर, गहलोत का प्रहार, पिछले 5 साल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, आईटी और सीबीआई के छापे से दबाव बनाया जा रहा है, देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है, बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग पर जोर देती है, ऐसा कहना है सीएम अशोक गहलोत का। मार्केटिंग को लेकर मोदी जी काम करते हैं और मोदी जी करते हैं केवल अपनी पब्लिक सिटी, गुजरात मॉडल विकास नहीं सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है। और साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने जुमलों से जनता को धोखा दिया है, सेना को लेकर कब तक करते रहेंगे राजनीति, आज मीडिया बीजेपी सरकार के दबाव में है, सेना और राम मंदिर पर बीजेपी राजनीति करती है, रेजिडेंट राजस्थान के नाम पर केवल स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया है और देश को आज जरूरत है कांग्रेस सरकार की, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। केंद्र सरकार पर सीएम गहलोत का प्रहार, आपको बता दें बीकानेर से खबर जहां केंद्र सरकार पर सीएम गहलोत ने निशाना साधा है। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा सीधा निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, कहा पिछले 5 साल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, आईटी और सीबीआई के छापे से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग पर जोर देती है, मार्केटिंग को लेकर मोदी जी काम करते हैं, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा बीजेपी ने जुमलों से जनता को धोखा दिया है, सेना को लेकर अब तक कब तक करते रहेंगे राजनीति, राज मीडिया बीजेपी सरकार के दबाव में है, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीकानेर में केंद्र सरकार पर सीएम गहलोत ने सीधे निशाना साधा है और कहा देश को आज कांग्रेस की जरूरत है।